हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे धर्मेंद्र जी की सभी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के नाम, साथ में इन फिल्मों के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी देखेंगे। बस बने रहें वीडियो में आखिरी तक। दोस्तों, धर्मेंद्र जी की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म 1964 में आई थी। फिल्म का नाम था आई मिलन की बेला। यह एक रोमांटिक ड्रामा से भरपूर फिल्म थी। 1 जनवरी 1964 को इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया था। फिल्म के मुख्य किरदार में राजेंद्र कुमार, सायरा बानो, धर्मेंद्र, नजीर हुसैन और शशि कला थी। फिल्म के डायरेक्टर थे मोहन कुमार। बजट था फिल्म का लगभग 1 करोड़ का। फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस से करीब 2.50 करोड़ के लगभग कमाई की, वहीं वर्ल्ड वाइड से लगभग 5 करोड़ की कमाई की। इस तरह से यह साल 1964 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इस तरह से यह फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। दूसरी इनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी फूल और पत्थर। यह एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। 14 अगस्त 1966 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म के मुख्य किरदार में मीना कुमारी, धर्मेंद्र, शशि कला, ललिता पवार नजर आई थी। फिल्म के डायरेक्टर थे ओपी रलहन। बजट था फिल्म का लगभग 62 लाख का। फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस से करीब 2.75 करोड़ की कमाई की, वहीं वर्ल्ड वाइड से 4.80 करोड़ की फिल्म ने कमाई की थी। यह साल 1964 की पहली सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी थी। इस तरह से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बनी थी। नेक्स्ट इनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म है आंखें। यह एक स्पाई थ्रिलर फिल्म थी। 5 जनवरी 1968 को यह फिल्म रिलीज कर दी गई थी। फिल्म के मुख्य किरदार में धर्मेंद्र के साथ मालहा सिन्हा, सुजीत कुमार, कुमकुम महमूद, ललिता पवार थी। फिल्म के डायरेक्टर थे रामानंद सागर। बजट था फिल्म का लगभग 1.30 करोड़ का। फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस से करीब 3.25 करोड़ की कमाई की, वहीं वर्ल्ड वाइड से 6.50 करोड़ की फिल्म ने कमाई की थी। इस तरह से यह साल 1968 की पहली सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर थी। नेक्स्ट मूवी है इनकी प्रतिज्ञा। यह एक एक्शन कॉमेडी से भरपूर फिल्म थी। 27 जून 1975 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म के मुख्य किरदार में थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अजय, सत्येंद्र कपूर, अभी भट्टाचार्य और जानी वाकर। फिल्म के डायरेक्टर थे दुलाल गुहा। बजट था फिल्म का लगभग 1.50 करोड़ का। फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस से करीब 3.50 करोड़ की कमाई की, वहीं पूरे वर्ल्ड वाइड से करीब 7 करोड़ की कमाई की थी। इस तरह से यह साल 1975 की पांचवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी और यह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर थी। नेक्स्ट फिल्म थी इनकी शोले। यह एक एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी। 15 अगस्त 1975 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म की मुख्य किरदार में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, संजीव कुमार, अमजद खान, जया बहादुरी और असरानी थे। फिल्म के डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी। फिल्म का बजट करीब 3 करोड़ का था। फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस से 15.50 करोड़ की कमाई की, वहीं पूरे वर्ल्ड वाइड से फिल्म ने 50 करोड़ की कमाई की थी। यह साल 1975 की पहली सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नेक्स्ट फिल्म इनकी आई थी धर्मवीर। यह एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी से भरपूर फिल्म थी। 6 सितंबर 1977 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म के मुख्य किरदार में धर्मेंद्र, जितेंद्र, नीतू कपूर, जीनत अमान, प्राण, इंद्राणी मुखर्जी, जीवन और रंजीत थे। फिल्म के डायरेक्टर थे मनमोहन देसाई। बजट था फिल्म का करीब 2.70 करोड़ का। फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस से 6.75 लाख की कमाई की, वहीं पूरे वर्ल्ड वाइड से फिल्म ने 13 करोड़ की कमाई कर ली थी। इस तरह से यह साल 1977 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर थी। धर्मेंद्र की आखिरी ब्लॉकबस्टर फिल्म है हुकूमत। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। 27 मार्च 1987 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म के मुख्य किरदार में धर्मेंद्र, रति अग्निहोत्री, शम्मी कपूर, सदाशिव अमरापुरकर और प्रेम चोपड़ा थे। फिल्म के डायरेक्टर थे अनिल शर्मा। बजट था फिल्म का लगभग 2.25 करोड़ का। फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस से करीब 5.50 लाख की कमाई की, वहीं पूरे वर्ल्ड वाइड से फिल्म ने 11 करोड़ की कमाई की थी। इस तरह से यह साल 1987 की पहली सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर थी।